नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बप्पा और आप देख रहे हैं बप्पास किचन रेसिपी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा किचन में स्वागत है। तो अभी हम बनाएंगे कुचुम्बर सलाद। कुचुम्बर सलाद के लिए क्या का इंग्रेडिएंट चाहिए? फर्स्ट हम वेजिटेबल को पील करेंगे। तो वेजिटेबल ऑलरेडी पील हो गया, इसको आप वॉशिंग करेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट हम सलाद वेजिटेबल को बढ़िया से वॉश कर लेंगे। बढ़िया से वॉश करके पानी को आउट कर देंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद हम वेजिटेबल को बैटन शेप में काटेंगे। इसको धीरे धीरे बैटन शेप में हम कटिंग करेंगे। शेप में कुकुम्बर को बटन शेप में काट लिया। कटिंग करने के बाद हम टमाटो को सीडलेस करेंगे। फर्स्ट टमाटो को सीडलेस करके बटन शेप में काटेंगे। अब टमाटर को बटन शेप में छोटा छोटा कटिंग करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा में कटिंग। इसके बाद हम गाजर को काटेंगे छोटा छोटा बटन शेप में। ऑनियन को भी हम छोटा छोटा डाइसेस में काटेंगे। तो फ्रेंड्स, काटिंग अभी कंप्लीट हो गया। अब इसको हम मैरिनेशन करेंगे। काटिंग कंप्लीट हो गया, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। फर्स्ट हम सॉल्ट डालेंगे। हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, हल्का सा ब्लैक पेपर डालेंगे, हल्का सा चाट मसाला डालेंगे, हल्का सा चिली पाउडर डालेंगे। डालने के बाद इसको ड्रेसिंग करेंगे। लाइम्स को स्क्वीज कर देंगे, लाइम जूस को। इसको क्विज कर दिया, अब इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो भिगा हुआ मूंग दाल था, हम मूंग दाल को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम सलाद को सर्व करने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक सिंपल गार्निश कर रहे हैं प्लेट को। तो फ्लावर बना हुआ टमाटर का सी फूल से पूरा सुंदर से प्लेट को गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद हम सलाद को सर्व करेंगे प्लेट में। तो हम सलाद को प्लेट में डाल रहे हैं। तो प्लेट में सर्व हो गया। छोटा सा ऊपर को गार्निश दे देंगे। ये पूरा प्लेट तैयार हो गया।